तो गाइस गाइस हम लोग रैंक पुश के लिए खेल रहे थे। जैसे कि सब लोग को पता ही है मैं रैंक पुशिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो हमारे साथ एक बंदा था इमुलेटर का, तो उसका एक इत्तेफाक हो गया कि उसका जो नेट था वो चला गया, तो उसके वजह से वो तो इमुलेटर था, तो एक हैकर आ गया हमारे टीम में। और आप लोग देख ही सकते हो कितना उछल कूद कर रहा है लौंडा। तो इसको मैं स्पेक करने के लिए मैं खुद को ही खुद ने बॉम्ब मार के मार दिया, तो मैं उसको स्पेक करने वाला हूँ। एंड आप लोग देखिए आगे आगे वो क्या क्या हैक करता है। एंड लास्ट में एक बहुत ही अच्छा चीज़ होगा, आप लोग Excellent को work. देख के पूरा हंसी आएगा। मतलब Excellent कर्मा work. जो चीज़ होता है वो आप लोगों को दिख जाएगा। तो आगे आगे देखिएगा इस होता क्या है। I'm really sorry. तो गाइज मैं इधर इसको पूछ रहा था कि तुझको हैक करके खेलने में क्या मज़ा आता है, तो फिर वो इधर उछल कूद करना स्टार्ट कर दिया मेरे ही सामने, मुझे रिवाइव ना देके। तो मतलब क्या बोले और इस हैकर लोगों को, इतना छुटिया हो गया ये लोग। तो ये भाग के चला गया बहुत दूर, अभी मैं मर रहा हूँ तो अभी साला रिवाइव नहीं दे रहा है लौंडा। वो उछल देखे उछल रहा है वो लौंडा साला चमन। Enemies ahead. तो अभी Enemies ahead. कोई तो मुझे रिवाइव देने के लिए आया ही नहीं। एंड जो मेरा टीममेट था टीम में मतलब दो नंबर वाला, वो भी आ रहा था। मैंने उसको कह दिया कि आना मत, ताकि मैं उसको स्पेक कर सकूं एंड सब लोग को बता सकूं कि ऐसा एक नया हैकर है। Excellent work. Bring up गाइस voice आप लोगों को chat. दिख ही सकता है अच्छे से कार भी नहीं चला सकता और हैक करता है लौंडा। फिर उसके बाद वो खड़ा होकर मुझे बोल लिख रहा था, आप लोग देख भी सकते हो कि मैं फेक यूट्यूबर हूँ, और फेक यूट्यूबर बनके मैं अरे उन लोगों नंबर को तीन पे हैक कर रहा है मतलब भाई. मेरा नाम देख के वो बोल रहा है कि मैं नकली यूट्यूबर हूँ। तो वो फिर अभी बोल रहा है मतलब उसको फेक यूट्यूबर बोल रहा है। ये चमन लोग किधर किधर से आ जाते हैं। तो गाइस इसके बाद ही देखना कि ये जो बंदा है वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, दौड़ने के बाद इसको शायद किसी को मतलब दिखाई देता है, तो उसके पास CSP भी है, वो आगे जाके दिखाई देगा उसको। मतलब वो कुछ भी हम लोगों को नॉर्मल बंदे लोगों को कुछ भी नहीं देगा, लेकिन वो इतना जल्दी जल्दी दौड़ के जा रहा है, क्या था ये क्या एकदम जाके स्पॉट कर ले रहा है, इनकी साइड दे रहा है, कितनी तेज भाग रहा है भाई एकदम मतलब बहुत ही स्पीड से कर रहा है। देखो दौड़ रहा है, देख रहे हो गाइस। तो देखो इसने किसी को देख भी लिया, टैप टैप कर गोली भी मार रहा है, जो हम लोग दे भी दिया उधर कि कोई बंदा है उधर, किसी को देखने की कोई वो ही नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है मार्क कर रहा है और मार रहा है, वही लगता है एनिमी से अच्छा है। तो इस टाइम पे मैं गाली दिया जा रहा था, लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो सिर्फ इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करता है, तो इसलिए मेरा जो गाली वाली है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो भाई मुझे भी लिफ्ट दे दे भाई, थैंक यू भाई। एनिमीज अहेड, दोनों चमन बंदे लोग यहां पर बंदा है क्या? एक तो सही है, अरे साले ने खा लिया, एनिमीज अहेड पर बंदा है बोल रहा है, हमारी क्लैन का है वो तो सही है, वो हैक वैक नहीं करता, लेकिन उसका मतलब उसको KD बहुत कम है, तो एनिमीज अहेड वो KD बचाने के लिए खेल रहा है लौंडे के साथ। मुझे देख लो, अरे मार भी दिया, मैजिक बुलेट था।
जल्दी आ गया, मार भी, मार भी दिया वो भी हेडशॉट पूरा मैजिक कर दिया वो मारा के लिए कई और लगा हेड पे। ओ भाई इसके पास क्या क्या, क्या हैक नहीं है यार। तो गाइस आप लोग इधर देख ही सकते हो कोई भी दिखाई भी नहीं दे रहा, Enemies लेकिन ahead. वो इधर मार्क कर रहा है वो भी हवा पे। तो इस मैच में एक और भी हैकर था दूसरे टीम में, जो इसने देखा ओपोनेंट, वो भी बोल रहा था ओपोनेंट इज आल्सो हैकर। तो इस मैच में और एक हैकर था, तो आप लोग समझ ही पा रहे हो पबजी मोबाइल में हैकर अभी इतना बढ़ चुके हैं, एक मैच में दो दो तीन तीन हैकर आ रहा है। तो मैंने इसको पूछा तुम क्यों हैक कर रहे हो, तो देखो आप लोग ही आप खुद लोग खुद ही देख लो यार। फ्लाइंग बाइक बोल रहा था, मतलब जो ओपोनेंट में एक हैक कर रहा था भाई करके वो दिखा। फ्लाइंग बाइक लेकर आ रहा था। दिखा भाई देख। लेकिन वो मार रहा है तो आने के बाद एनिमीज अहेड भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसको दिखाई दे गया। इसके पास ESP मैजिक बुलेट हाई जंप, मतलब सब कुछ है इसके पास, मतलब इतना पैसा देके ये लोग हैक वैक खरीदते हैं सिर्फ पबजी खेलने के लिए। इतना पैसा देके पबजी खेलने के लिए हैक खरीदना, अजीब लौंडे लोग। Enemies ahead. Enemies ahead. अरे 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 क्या कर रहा है भाई, सीधा बंदे में घुसा दे रहा है। Enemies ahead. ये भी हैकर है, इसके पास भी हैक है। आ आ मारा। भाई इस तरफ से बंदा। Enemies ahead. भाई इस तरफ बंदा मार। Enemies ahead. Form up on me. हाँ भाई हैकर वाले से हैकर ही चल रहा था, वो भी हैकर रहा था बंदा। Enemies ahead. ठीक है भाई, मुझे हम उठाना। Enemies ahead. अरे गाड़ी वाला को मार दिया। भाई बोल तेरे पास है क्या, बता किस तरफ बंदा है। Enemies ahead. किस तरफ है? Enemies ahead. उस तरफ भी है, क्या कर रहा है बंदा। Enemies ahead. किस तरफ, किस तरफ, one spot.
Enemies ahead. मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा. अरे मार दिया है. मारा किसको? कहाँ से चला बंदा? ओके कहाँ से चला भाई ऊपर तू? एनिमीज अहेड. हाई जंप था क्या तेरा ये? Ahead. Master of that. Hey, bhai, don't kill. I'm not gonna kill. मार खा रहा है पूरे. Enemies ahead. इस तरफ बंदा है क्या? Enemies ahead. तो गाइस मैंने उससे फिर से पूछा कि तू हैक क्यों करता है, मतलब क्यों तूने हैक स्टार्ट किया. तो वो लिखता है कि हैकर इज़ द रीज़न. तो वो लिखेगा, आप लोगों को दिखाई भी देगा. एंड व्हाट द रीज़न? तो उसके बाद मैंने पूछा कि तूने जो हैक करना स्टार्ट कर दिया और इधर राउडी का गेमिंग लिख दिया, उससे तो राउडी गेमिंग का अरे भाई रोक तो कितना जल्दी चल रहा है, हो सकता है अगर कोई अच्छे से ना देखे तो. तो मैंने बोला कि तू एनिमीज अहेड, तेरा तुझको देते कौन है? तो इन लोगों को हैक तो कोई देगा ना. तो मैं वो पूछ रहा था कि इन लोगों को हैक कौन देता है. तो उसने लिखा ना, मतलब कौन हैक देता है या फिर एनिमीज अहेड. तो ये तो बंदा स्पॉट कर ही रहा है बार बार, मतलब एनिमीज अहेड नहीं रहा किसी को, लेकिन उसको दिख रहा है एएसपी की मदद से. तो बहुत ही अजीब लग रहा था. तो इसने मार दिया मैजिक बुलेट, इधर उधर मार रहा है फिर भी उसके बॉडी पे लग रहा है. तो देख सकते हो इधर दोनों को, मतलब छोटी छोटी और ये तो enemies ahead. कुछ कर रहा है, स्पीड में जा रहा है, मतलब मुझे एक भी किल नहीं मिला. मोबाइल को कुछ भी बना कर रखे हैं, मिलेगा हैक कर रहा है बंदा. तो गाइस किसी को दिखने से पहले इसको देखना स्टार्ट हो गया, अंदर गोली मारना भी स्टार्ट कर दिया. तो एकदम लास्ट मोमेंट आ चुका था जिसमें तो इसने एक को नॉक भी कर दिया. मैंने देखा उसने मार दिया, नॉक कर दिया. तो एकदम ऐसा मोमेंट आ चुका था कि लास्ट थोड़ा सा डैमेज पॉइंट मिला मुझे. तीन बंदे थे हमारे, दो हमारे मतलब जो मेरा क्लैन का मेंबर है वो एक और ये हैकर एक जो आया था ऑटो पैचिंग ऑटो मैचिंग में. तो ये लौंडा इधर दौड़ मतलब अजीब सा हरकत कर रहा था. तो देख रहे हो इधर मार रहा है, लेकिन लग रहा है इसके बॉडी पे ही, मतलब पूरा हैकिंग का सब कुछ लेके बैठा था. तो अभी देखो गाइस इस टाइम पे जाके उसका अकाउंट बैन हो गया मैच के अंदर ही. तो ये एक जगह पे खड़ा रह गया.
एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, कर्मा, इसको कहते हैं कर्मा। तो Get to मैंने the safe zone. उससे हटा लिया स्पेक्टेटिंग। तो हमारे क्लैन का जो बंदा था वो अजीब तरह से पीख लेते हुए, मतलब नू क्या बोले, और अगर मैं इसको नूबड़ा बोला तो वो मेरे घर पे आके मुझे फोड़ डालेगा, तो इसलिए नूबड़ा नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोग समझ लो क्या है। और ये जो हैकर है, हैकर इधर बैन होके खड़ा हुआ है, लॉल, कर्मा इज बिच। तो आप लोग देख रहे हो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा मार दिया जाएगा, लेकिन ये लोग स्प्रे अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, नहीं तो बहुत पहले ही वो हैकर ख़त्म हो जाता। तो हैकर को ऑलरेडी मार्क कर दिए ये लोग। तो अभी जो मेरा क्लैन का बंदा था वो ही सिर्फ जिंदा था, वो इधर उधर ऑम लेके जाके मतलब कुछ करेगा, लेकिन अंत में मर ही जाएगा। वो फिर से उसको स्मोक मारने की कोशिश कर रहा था, ये अजीब बंदा स्मोक मार रहा था उसको बचाने के लिए, इतना इनोसेंट है मतलब क्या बोले। ये जो अजीब सा हेडशॉट था मैं देख के खुद चौंक गया, लेकिन ये अजीब मतलब ये जो हेडशॉट था ये तुक्के से लग गया या फिर ग्लिच था कोई, मुझे दिखा। बहुत अच्छा नॉक इधर किया था इसने, तो ये फाइनली मर चुका था। तो उसके बाद मैंने इस हैकर को रिपोर्ट भी कर दिया गाइस, एंड आप लोग को इसका जो कैरेक्टर आईडी भी दिख रहा होगा एंड नेम भी। सारे डैमेज तो आप लोग सब लोग जो लोग भी देख रहे हो सब लोग जाके इसको रिपोर्ट करना ज़रूर। एंड गाइस आज के लिए इतना ही, हैकर अभी तक नहीं गए हैं तो पबजी मोबाइल को मेल वेल कीजिए कि हैकर हटाए।